जो दिनों दिन दुशासन बाबू के सरकार में जो घटना हो रही है महिलाओं हमारे समाज की, या तो बिहार की सरेआम घटना है, जो दुशासन बाबू नीतीश कुमार जी कहे जाते हैं पलटू राम, इनके शासन में पता नहीं चल रहा है और लगातार ये घटना बिहार में होती रही है हमारी बहन बेटियों के साथ, खासकर दलित समाज के बहन बेटियों के साथ। और आज एक घटना बड़ौरा की दलित बेटी शिक्षित शशिकला के साथ भी हुई घटना हुआ, ये दरिंदे ले जा करके बलात्कार किया, विचार किया उसके साथ और अंत में मौत की घाट भी उतार दिया ऐसा। और इस शासन बाबू के राज में ये दरिंदे, खास करके पुलिस प्रशासन, इनके कान पर जू नहीं रंग रहे हैं। अब तक की कोई कार्रवाई नहीं किया, उस दरिंदे को अरेस्ट नहीं किया। हमारा डिमांड है उसको अरेस्ट करके उसको फांसी की सजा दी जाए, नहीं तो हम लोग का धरना जारी रहेगा। हम लोग आपातकाल की स्थिति में, हम लोग जो देश की चल रही है उसमें हम लोग बैठने के लिए तैयार हैं, हम लोग मरने मिटने के लिए सारा समझ तैयार है। तो परिजनों को क्या कहानी है? कहानी है ये, सबकी मांग यही है कि हम लोग को इंसाफ मिलना चाहिए। कहाँ की है वो सब परिजन है? बड़ौरा। क्या नाम है उनका? शशिकला। जिसका मृत्यु है, सबकी लड़की है, उसकी पिता क्या नाम है? शशिकला। लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए, बस यही मांग है। दरिंदे को सख्त से सख्त फांसी की सजा दीजिए, कहीं से भी ढूंढ कर, यही मांग है। क्या आपका नाम? ईशा देवी। ब्लॉक प्रमुख। हाँ, रामगढ़ प्रखंड ब्लॉक प्रमुख। हमारे गांव की वो बेटी है और मेरी भी बेटी है जिसका नाम शशिकला है, उसकी हत्या जिस तरह से निर्मम हत्या की गई है, और जो हत्यारा है, हम लोगों का एक ही मांग है कि उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले और फांसी मिले, क्योंकि मौत के बदले मौत होता है, तो उसके बदले में हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए। और यह जाम तब तक रहेगा जब तक यहाँ प्रशासन का सुप्रीमो उपस्थित नहीं होता है और सही सजा देने के लिए हम लोगों को यह अवगत नहीं कराता है, तब तक हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। प्रशासन से हमारा मांग है, हम किसी से लफड़ा नहीं करने चले हैं, हम न्याय की गुहार करते हैं, हमको शशिकला के लिए न्याय चाहिए बस, और हमें न्याय चाहिए, क्यों न्याय की भूख है। और प्रशासन इस बात को समझे, एसपी डीएम आईजी डीआईजी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जो भी हो, हमारी आवाज जहाँ तक जाती है, केवल शशिकला को न्याय की जरूरत है, न्याय चाहिए। शशिकला को इंसाफ चाहिए किसी हालत में। जो की मांग है, मांग यही है जो किया है यह सब काम, उसको फांसी का सजा देना चाहिए, यही मेरा मांग है। क्या लगते हैं आप लोग? भाई लगते हैं लड़की का। कब तक जाम रहेगी आप लोग की? ये जाम रहेगी जब तक प्रशासन नहीं आ जाएगी, इंसाफ हम लोग के नहीं मिलेगा। कौन सी प्रशासन की मांग है आप लोग की? डीएम एसपी जो भी है, जिला अधिकारी, उसको आना जरूरी है यहाँ पे, इंसाफ चाहिए हम लोग को। शशिकला को अगर इंसाफ नहीं मिलेगा जब तक ले हटेंगे नहीं हम लोग, फांसी को सजा देना चाहिए उसको। हमें हर हाल में इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पर इंसाफ चाहिए। ये हमारी बहन शशिकला के साथ जो हुआ है, जब तक इसका मैंने न्याय नहीं मिल जाता है तब तक हम लोग 24 घंटा भी जाम कर सकते हैं। मुझे जानकारी है ये लड़की
बड़ौरा गांव की रहने वाली है और सीएसबी बैंक पीएनबी का है वहां। इसके रिलेशन के लोग उस अकाउंट में पैसा भेजे हैं और भेजने के लिए गई है निकालने के लिए, उसका आधार कार्ड अंगूठा लगवा करके उसका पैसा निकासी कर लिया गया है। 10 दिनों तक इसको दौड़ाया गया है। उस लड़की ने जा करके जो सीएसबी का जो प्रबंधक है उसे डायरेक्ट बोली है कि यदि आप हमारा पैसा नहीं देते हैं तो मैं FIR करूंगी। वो जा करके नामजद FIR की, रामगढ़ थाना से चौकी है बड़ौरा, वहां जा करके वो दो पुलिस वाले गए हैं। वहां जाने के बाद उससे बातचीत हुई है और बातचीत होने के बाद वो बोला है कि पैसा यदि है तो हम दे देंगे, देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप चलिए पहले आवेदन उठाइए। लड़की की माँ भी साथ में है और वहां से जब निकला है, वो लड़की निकली है साथ में, तो लड़की की माँ से बोला है वो शख्स कि आपकी बेटी नहीं है, मेरी भी बेटी है, मैं जैसे ले जा रहा हूँ वैसे बाइज्जत ला दूंगा। वो 4:30 के लगभग में थाना से अपना आवेदन ली है। आवेदन लेने के बाद वो कैसे मोहनिया पहुंच गई इसका कुछ भी अभी कहा नहीं जा सका, लेकिन ये है कि उसका अपहरण करके ही मोहनिया ले जाया गया है। क्योंकि जो लड़की इतना क्रांति के साथ FIR कर सकती है, अपना आवेदन उठा सकती है 4,000 रुपए के लिए, वो आत्महत्या नहीं कर सकती। उसको जान से मारा गया है और वो भी दोनों बाजू तोड़ा गया है, उसको चाकू मारा गया है, गला दबाया गया है, नाक पर उसके निशान है, उसके बॉडी पर जख्मों के काफी निशान है, जो इस बात के साक्ष्य हैं कि उस लड़की के साथ बहुत बर्बरता की गई है। देख देख हटो जाजा, देख लिया साइड में जाओ, मार इसको। थी पैसा निकालने के लिए, पैसा निकालने गई, इसके हाथ से आधार कार्ड ले लिया और पासबुक ले लिया। लेने के बाद जो है इसे क्या बोलते हैं जो अंगूठा लगाता है, वो लगाने के बाद जो है इसको 10 दिन से घुरा रहा था, बोलता है आज लिंक फेल है नहीं मिलेगा, तो ऐसे ऐसे कोई बहाना से, और अशब्द शब्द भी बोलता था इसको बोल करके। फिर जो है ये बोली कि अगर तुम नहीं दोगे हम FIR करेंगे। ये बोला कि ताकत कि तुम FIR करोगी, ये बच्ची ने जा करके FIR की। FIR करने के बाद रामगढ़ थाना का पुलिस गया, पुलिस जाने के बाद बड़ौरा में एक जो है आपका उसको लेकर के थाना में वहां गया। उसके बाद वो दरखास्त लिखी है वो लेकर के आओ, वो अपने मोटरसाइकिल से बैठा करके लेकर के आया है। लेकर के आने के बाद यहाँ जो है पेक ले जाने के बाद इसको माथा में मारा है, माथा फट गया। उसके बाद इसकी बाहें तोड़ दी गई है। उसके बाद इसको चाकू मारा गया है, मार करके और ले गया है रेलवे स्टेशन के पास में। जब हमने बच्ची यहाँ रोक करके हमसे कही कि ऐसे बात है, हम बोला ठीक है, हमको क्यों नहीं तुम बोली, हमको क्यों नहीं बोली तुम, ऐसा बोला कि गांव के चलते थोड़ा माँ और भाई ने बोला, माँ और भाई बोले कि गांव का मैटर था, 2,000-4,000 रुपया नहीं देगा। अब वहां जाने के बाद हम फोन किए इसको, तो फोन वो लोग उठाया, वो लोग बोलता है कि हम RPF रेलवे पुलिस बोल रहे हैं। हम बोला क्या हुआ ऐसे, वो लोग बोलता है कि ये ट्रेन आ रही थी, बच्ची कूदने के लिए गई, हम लोग बचा लिए, हम लोग उसको चोट लगा, बोला हाँ कमर में लगा, चेस्ट में चोट लगा, हम बोला उससे बात कराओ, बोला बात नहीं करेंगे, बेहोशी हालत में है। उसके बाद दोबारा फिर हम फोन लगाने लगे, फोन काट दिया, काटने के बाद मोहनिया कौन अस्पताल है लड़की, फिर वहां से ट्रांसफर हो गया बनारस। बनारस जाने के बाद जो है तो आप इनके कौन लगते हैं? हम इसका पिताजी फादर। Terima kasih.
देखला निकला हेलो हाँ हेलो भैया यार फोन रखे भी थाना पर भाई